एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अगर नए हो तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यहाँ पे बेसिकली अब प्लान हो चुका है मेरा कि मैं गप्पी फिश ब्रीड कराने वाला हूँ। बहुत सारे टब लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 गमले लाया मेरे को, ये काफी सस्ते में मिल गए थे, मैंने बहुत सारे उठा लिए। फिलहाल तो अब देखना है कि इन्हें मैं फिट करने वाला हूँ इसके नीचे यहाँ पे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे काफी कुछ रखा हुआ है, अलग अलग टाइप के मेरे DIY ड्रिफ्टवुड है, कुछ पाइप्स है, कुछ पंप है जो कि खराब हो चुके हैं एंड कुछ ग्लास के पीसेस भी हैं, तो मतलब बहुत कुछ है। एंड ये मेरा 5 फुट का एक्वेरियम का ये ग्लास था। सो यहाँ की बेसिकली हम लोग थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं अंदर में। देख सकते हो यहाँ पे क्लीन हो चुका है, सारी चीजें यहाँ पे साफ हो चुकी है एंड अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। ऑल दो पानी अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी अभी अपलोड करेंगे मतलब भरेंगे इस सारे टब में, तो पानी गिरना ही है, तो उतना सोचने वाली बात है नहीं। यहाँ पे रख देता हूँ मैं टब लाइन से जितना हो पाता है एंड उसमें पानी भर देते हैं, बाकी सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं क्या करने वाले इसमें। इसको ये काफी अच्छा खासा स्पेस ले रहा है। 1 2 एंड आई थिंक सो इसमें 3 फीट का है, 3 फीट। अगर आप लोगों को जानना है कि ये वाला टब जो है वो कितने लीटर का है, सो यहाँ पे जो बाल्टी है वो 10-10 लीटर के हैं। इसमें देखते हैं कितना से ये भरता है, तो उससे हम लोग को अंदाजा लग जाएगा अप्रोक्स कितना लीटर का होगा ये एक्चुअली। सो 20 लीटर पहले डालते हैं। डालो भाई, ये गया 10 लीटर, ये रहा 20 लीटर। तो एक्चुअली गप्पी ब्रीड कराने के लिए ऑलमोस्ट 20 लीटर का टैंक या फिर टब या फिर जो भी एक्वेरियम है वो लगता है। सो 20 लीटर ऑलरेडी यहाँ पे भर चुका है एंड आई थिंक सो ये 40 लीटर का होगा आसपास का, आई थिंक सो। एंड इसमें मैं इसका पानी थोड़ा सा मतलब एक्चुअली इसका भी पानी मेरे को चेंज करना था, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें से ड्रेन करूँगा इसमें, ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें चले जाए एंड वो थोड़ा सा एक मतलब पानी को थोड़ा सा मस्त कर देगा मस्त मछलियों के लिए। सो 2 बाल्टी और आ चुका है और काफी ज्यादा गंदगी हो चुका है। चलो ये 20 बाल्टी में डालो, मतलब 2 बाल्टी डालो, 20 बाल्टी नहीं 10 लीटर। नहीं ये 40 लीटर का नहीं होगा एक्चुअली। तो एक काम कर, डाल उसको भी डाल, देखते हैं एक्चुअली ये टोटल कितना का पकड़ता है। 45 लेगा, ले लेगा, इतना में ये भर जाता है। अब फाइनली बेनिफिशियल बैक्टीरिया का बाम बूम करने का टाइम आ चुका है, मतलब इसके पानी जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मस्त मैजिक वाटर हो चुका है मेरा, तो इसमें से मैं पानी इन तीनों में शिफ्ट कर दूंगा ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें भी आ जाए। कचरा डाल देना चाहिए मेरे को इस एक्वेरियम का, बट स्टिल आ गया भाई, आ गया टैंक से पानी सीधा इसमें। सारे में पानी भर चुका है, मेरे को इसमें एक LED लाइट लगानी है या फिर ऐसा वाला लाइट मैं लगा दूं ऊपर में, हाँ ये वाला टैंक में जो है। सो उससे एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स उगाने वाला हूँ, बिकॉज एक्चुअली गप्पी फिश ब्रीड कराने के लिए उसमें तुम्हें प्लांट्स डालने पड़ेंगे, वरना वो गप्पी फिश जो बड़ी वाली होगी वो अपने बच्चों को ही खा जाएगी। हाँ ये चीज़ एक्चुअली होता है। सो मेरे को अलग अलग प्लांट्स उगाने हैं। बेसिकली मैंने मेरे दिमाग में 3 प्लांट है, वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल काम ये है कि प्लांट्स लाने हैं एंड फिलहाल तो इसे हम लोग यहीं पर रहने देंगे ऐसे ही एंड इसे थोड़ा सा आराम से मैच्योर होने देंगे पानी को। एक्चुअली मैंने लाइट लगा दिया है, ऐसे देख सकते हो ये सेम वाला लाइट है इसके अंदर नीचे में एंड तीनों यहाँ पे है। आज मैंने फ़िलहाल प्लान किया है कि मनी प्लांट इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, बिकॉज इसमें कोई फ़िल्टर मैं लगाने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मनी प्लांट मैं लेके आ चुका हूँ और इसे फ़िलहाल तो मेरे को लगाना है इनके अंदर। सो इतना बड़ा तो मैं लगाने वाला हूँ नहीं, इसे झुला दूंगा। और सारे बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे पास, जस्ट लाइक ये वाटर लेटिस यहाँ पे देख सकते हो। सो ये वाटर लेटिस भी मैं यूज करने वाला हूँ इन सारे टब में। सो एक्चुअली मैं प्लान क्या कर रहा हूँ पता है, इसे काटने के बजाय मैं तीनों में ऐसे छोड़ दूँ, सो मेरा काम हो जाना चाहिए आई थिंक सो। इनके लिए इनफ लाइटिंग है फिलहाल तो। अरे कहाँ गिर दिया है, करते हैं इसे बंद। फिलहाल तो अभी हार्ड में आ चुके हैं, बिकॉज मेरे को खरीदना है बहुत सारी मछली। ओके तो फिलहाल तो अभी ब्रीडिंग्स के लिए मेरे को गप्पी चूज करनी है कि कौन सी हमें गप्पीज ले जानी है एंड टोटली डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि कौन सी चीजें लेनी है मेरे को। ये देखो डम्बो यार, कालो छेड़ो इसका फीमेल। ओके ये रहा मेरा पहला बैच जो कि मैं इस वाले टब में ब्रीड कराने वाला हूँ। सो
फिलहाल के लिए मैं इसे अभी एक्लिमेशन के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो ये कौन से फिशेस है तो दिखा देता हूँ, डम्बो ईयर इसे बोलते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट। एक्चुअली गप्पी में ये मेरा फेवरेट स्पीशीज है, एक्चुअली स्पीशीज नहीं टाइप स्पीशीज कह सकते हैं। ओके सो काफी टाइम हो चुका है, इन्हें अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्लिमेशन प्रोसेस से और इन्हें अब हम लोग रिलीज करेंगे इस टब में। एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ एक जुगाड़ मैंने प्लान किया है, चलो करते हैं इन्हें रिलीज। ये रहा मेरा एक जाला एंड सबसे पहले जाएंगे सारी फीमेल्स आ गई इसमें, रिलीज करते हैं इन्हें। जाओ 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 उधर जाओ, सारे मेल्स आ गए इसमें, रिलीज करते हैं। अब जबकि सारी फिशेस इसमें आ चुकी हैं जो भी ब्रीडिंग के लिए इसमें जाने वाली हैं, अब मेरा प्लान है कि इसे मैं डालूंगा इसके अंदर और ये मनी प्लांट के जो पार्ट ऐसे रहेंगे वो झूल के अंदर में रहेंगे और इसे मैं ऐसे यहाँ पे फंसा दूंगा, तो यहाँ पे ये अंदर में इसके जड़ रहेंगे। एंड यही चीज़ें मैं चारों साइड में करने वाला हूँ, मतलब 1, 2, 3, 4 काइंड ऑफ लाइक वैसे ही करने वाला हूँ, चारों से प्लेस कर दूंगा चारों साइड से। एंड जड़ वर्ड सिस्टम यहाँ पे एकदम उगेंगे ताकि बेबीज छुप सके। सो ये मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो। ओके सो इस डब्बे में मैंने भर लिया है मट्टी, एंड इसमें सिर्फ मट्टी नहीं थोड़े से रेत वेत और सिरेमिक मीडिया दोनों मिक्स है। एंड ये हमारा फर्स्ट लेयर प्लांट्स उगाने के लिए। सो ये चीज मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग ऐसे ही पॉट में प्लांट्स उगा रहे हैं। एंड ये चीज करते समय एक बात का ध्यान रखना कि आप रेत को अच्छे से धो लो। ओके सो नाइस लेयरिंग हो चुका है ग्रेवल्स का इसमें बहुत ही बढ़िया से। नीचे में यहाँ पे सॉयल है, उसके ऊपर पावर सैंड, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, ग्रेवल्स। एंड ये ग्रेवल्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया को स्टोर करेगा, इसमें बहुत सारे होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं, होने तो चाहिए। एंड उसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ सैंड। सो तीनों लेयर का अलग अलग काम है, न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉयल, बेनिफिशियल बैक्टीरिया स्टोर करने के लिए ये ग्रेवल्स, एंड ये सैंड सबको नीचे में चाप के रखने के लिए, एंड जो भी हमारे प्लांट्स के रूट होने वाले हैं उसको अच्छे से होल्ड करने के लिए ये सैंड। ये रहा ड्वार्फ सेगिटेरिया एंड इसे मैं प्लेस करता हूँ लाइक यहाँ पे। ओके सो पॉलिश परमा इस साइड में मैं प्लांट कर दे रहा हूँ। तो इग्रेडेंसा को मैं सीधा मिडल में प्लेस करने वाला हूँ, ऐसे तो मेरे को नहीं लग रहा चिमटा से जाएगा, हाथ से मेरे को अंदर में डालना पड़ेगा। और यहाँ पे इस तरीके से हो गया हमारा प्लांटेशन का काम यहाँ पे ख़त्म। और इसे टेस्ट करने के लिए मैं लाता हूँ एक बल्टी, ऐसे लेके इसको ऐसे डिप करना है एक बार, जो भी पानी में जो भी उसमें गंदगी थी जो कि हमारे टैंक में रिलीज हो सकते थे उससे अब इस पानी में आ जाना है। एंड बाकी बचे चीज को मेरे को ऐसे लेके बस, मेरे भाषा में इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। एंड प्यूरिफिकेशन के बाद आराम से हम इसे आराम से इस टब में एकदम बीचों बीच डाल सकते हैं। ऑलराइट हो गया हमारा यहाँ पे काम, मैंने प्लेस कर दिया है, आपको मैंने दिखा दिया कैसे इसमें मैं गप्पी फिश ब्रीड कराने वाला हूँ, यही सारी चीजें करनी है। एक महीने बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, प्लांट्स के कितने ग्रोथ होते हैं, बाकी सारी चीजें जो भी होनी है। ऑलराइट देख के तो लग रहा है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है चीजों को, खाना वाना खोज रही है इसके अंदर में, बहुत ही बढ़िया। क्या लग रहा है क्या करने की कोशिश कर रही है इसके अंदर, पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ड्रैगन डम्बो ईयर गप्पीज़।